नमस्कार दोस्तों, डिजिटल फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में पीलापन आने के पीछे कौन से कारण हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है ताकि गेहूं की फसल दोबारा से ग्रो कर सके। गेहूं में पीलापन दिखाई देने के पीछे जो है कई कारण हो सकते हैं जिनको आप लक्षण देख कर पहचान सकते हैं और समय रहते उपाय भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी बीमारी को पूरे खेत में फैलने से पहले कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक है और पूर्ण रूप से चपेट में आने के बाद फसल में पहले वाली ग्रोथ नहीं आ पाती। और बहुत बार तो यह देखने में आता है कि बीमारी पर जो है कंट्रोल ही नहीं हो पाता और किसान की पूरी फसल ही नष्ट हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप डिजिटल फार्मिंग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी के निशान को अवश्य दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि गेहूँ में पीलापन क्यों दिखाई देता है और ग्रोथ क्यों रुक जाती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि फसल में ज़्यादा समय तक पानी का खड़ा रहना, जड़ों में फंगस या कीट लगना, या फिर कुछ पोषक तत्वों जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाश, जिंक, सल्फर आदि की कमी होना। यदि फसल में पानी ज़्यादा समय तक खड़ा रहता है तो मिट्टी का जमाव ज़्यादा हो जाता है, ज़मीन से ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाती है और जड़ों का विकास रुक जाता है और फसल जो है वो पीली पड़ने लग जाती है। इसलिए फसल में पानी जो है ज़रूरत के अनुसार ही देना चाहिए। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए प्रथम सिंचाई के साथ यूरिया अवश्य डालें। नाइट्रोजन की कमी के कारण पुरानी पत्तियां जो है वो पीली पड़ जाती हैं। पोटाश की कमी के कारण जो है पौधे की पत्तियों के जो किनारे और जो नोक होती है वो जली हुई दिखाई देगी। पोटाश की पूर्ति के लिए NPK 0050 एक किलोग्राम को 100 से लेकर 150 लीटर पानी की मात्रा के साथ जो है प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। यदि गेहूं में सल्फर की कमी है तो नई निकलने वाली पत्तियां पीली दिखाई देंगी। इसकी पूर्ति के लिए आप सल्फर 80% WDG या WG फॉर्म में जो आता है उसको जो है आप 2 से 3 किलोग्राम की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम यूरिया के साथ मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। यह एक प्रकार से फंगीसाइड का काम भी करता है। ये जो है कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से गेहूं में पीलापन आ सकता है और ग्रोथ रुक जाती है, जिन्हें समय पर पहचान कर आप फसल में जो है दोबारा से ग्रोथ ला सकते हैं और अच्छा उत्पादन भी इसी के साथ आपको मिल सकता है। दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।